हेलो एंड वेलकम। मैं नितेश कुमार, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल मैनमेटिक हिंदी में। आज मैं लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए न्यू वीडियो, फ्रेश वीडियो। ये वीडियो इस बार है एक बहुत ही बढ़िया डाटा केबल की। ये डाटा केबल सिंथेटिक केबल के साथ आती है और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की डाटा केबल है। ये डाटा केबल, ये जो कंपनी है, ये ARU है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अलग कंपनी है और काफी अच्छी है। और इसके सबसे अच्छी बात है, ज्यादातर प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। और मैक्सिमम प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, जहां तक मैंने अभी तक देखा, ज्यादातर मेड इन इंडिया ही देखा है। तो इस टाइम कोरोना के टाइम में बहुत अच्छी बात है। अगर हम चाहते हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स ना लें, उनसे बचे, तो कुछ हद तक हम ये कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करें, तो इस टाइम पे हम ले सकते हैं जो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें आती है मोबाइल एक्सेसरीज को लेके। ज्यादातर मोबाइल एक्सेसरीज चाइना से ही आती है, मेड इन चाइना होती है। यहाँ तक कि ओवरऑल मोबाइल की भी बात करें, जितनी भी टॉप कंपनियां हैं इंडिया में, चाहे वो रेडमी हो, सियामी हो, MI हो, रियलमी हो, ठीक है, ओप्पो, वीवो, ये सारी की सारी टॉप कंपनीज है जो इंडिया में सबसे ज्यादा इनके मोबाइल बेचते हैं, बिकते हैं, और ये सारी कंपनीज चाइनीज है। इस टाइम पे जैसे कि हमारा कुछ विवाद भी चल रहा है चाइना के साथ, और जो कोरोना है वो चाइना से आया है। तो आप लोग अगर नहीं चाहते कि चाइनीज प्रोडक्ट यूज करें ज्यादा, तो आप मेड इन इंडिया के साथ जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदेंगे, स्वदेशी लेंगे, और स्वदेशी प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहेगा, और इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमारी इकोनॉमिक ग्रो करेगी और जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनका भी मुनाफा रहेगा। तो ये हमारे जो इंडिया के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं इस डाटा केबल की। ये है डाटा केबल, ARU कंपनी की आती है। इसमें तीन टाइप के डाटा केबल आते हैं। ये आती है आपकी आईफोन के लिए V8 एंड Type-C। अभी तक तीन टाइप के डाटा केबल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। आगे जिस टाइप के भी आएंगे और भी मोबाइल आते हैं और कोई डाटा केबल, तो उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। लेकिन फिलहाल जो है तीन टाइप की इस कंपनी के डाटा केबल अवेलेबल है, V8, आईफोन और ये Type-C। अब तीनों लेना चाहे तो तीनों ले सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल जो मेरे पास है ये आईफोन का डाटा केबल है, तो मैं फटाफट अनबॉक्सिंग कर देता हूँ और देखते हैं इसमें किस टाइप की निकलती है। मैं इसे लेकर आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं तीन है। चलिए इसे ऐसे रख देते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी ब्रांडिंग हुई पड़ी है, ARU लिखा हुआ है इसके ऊपर, और लिखा है मेड फॉर यू। और जो ये क्वालिटी है 1000 mm की है इसकी वायरिंग क्वालिटी। और इस पे जो वारंटी है 180 डेज की है, यानी कि 6 मंथ की अगेन इसमें वारंटी मिल रही है आपको। ये काफी अच्छी बात है, जिन भी प्रोडक्ट पे वारंटी मिलती है बहुत बढ़िया रहता है। थोड़ा कॉस्टली हो जाती है, बट ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसे चेंज करा लाते हैं, तो उसमें हमारे काफी हद तक पैसे बच जाते हैं। और ये 2.4 एम्पेयर की है, कॉटन ब्रांडेड लाइटिंग केबल है, यानी कि काफी ज्यादा हल्की है, लाइटिंग केबल है, कोटेड है, ये क्लोथ कोटेड है, यानी कि इस बहुत ज्यादा ये मजबूत होने वाली है। चलिए फटाफट इसकी वो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, यहाँ से खोलते हैं इसे। पीछे भी कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि इसका प्राइस है 6999 इसका प्राइस मेंशन है यहाँ पे, और भी कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दे रखे, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। और बाकी चीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसे खोलते हैं, यहाँ पर टेपिंग, जैसे कि मैंने कहा टेपिंग लगी रहती है, तो इस टेप को हटा। चलिए देखिए, ये मैंने इसे खोल दिया, अब इसमें देखते हैं कैसे निकलती है डाटा केबल। ये देखिए पूरी तरह बहुत अच्छी पैकिंग है इसमें, डबल पैकिंग के साथ आती है ये, और अंदर देखिए कितनी बढ़िया जेन्युइन तरीके से पैक हुई पड़ी है। यही एक खासियत है अच्छी कंपनियों की, जो उनकी पैकिंग भी होती है बहुत ही जबरदस्त होती है। कलर कॉम्बिनेशन जैसे कि इसका देख लें, इतना बढ़िया सिंथेटिक है ना। Type-C की है और ये V8 है, कि Type-C और V8 ये दो है डाटा केबल, दो टाइप के। ये आईफोन वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंथेटिक डाटा केबल है, और यहाँ पे ये ब्रांडेड है। मैं इसे खोलता हूँ
फटाफट से ना टाइम वेस्ट करते हुए खोल लो, खुल जाओ शिम शिम, क्योंकि पैकिंग काफी अच्छी है तो उस टाइप से हुई है कि इसे खोलने में भी टाइम लग रहा है। जैसे कि देख सकते हैं लेंथ 1 मीटर की प्रॉपर है। वायरिंग और जैक की बात करो तो जैक देखिए बहुत ही बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग है ARU की और ये 2.4 एम्पेयर की डाटा केबल है। यहाँ पे भी इसका जैक अच्छा है और जो वायर है कॉटन वायर है, अगर आप इसे खींचते भी है तो टूटेगी नहीं। बहुत ज्यादा हैवी वायरिंग होती है, जो भी कॉटन वायरिंग होती है बहुत ज्यादा हैवी वायरिंग होती है। जनरली क्या होता है कि हम वायर वाली लेते हैं डाटा केबल, जो कि नॉर्मल वायरिंग होती है वो यहाँ से ज्यादातर टूट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये धागा है, कॉटन वाली है, धागे वाली है, तो यहाँ से आपका ब्रेक होने का चांस ही नहीं बनता। अगर यहाँ से ब्रेक नहीं होगा तो आपका जल्दी खराब नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट खराब नहीं होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो कुछ पैसे ज्यादा लगे लेकिन चीज मिले बढ़िया तो सबसे अच्छी बात होती है। तो ओवरऑल ये मुझे डाटा केबल तो काफी अच्छी लगी। ये आईफोन की है जैक, मेरे पास तो आईफोन है नहीं, मैंने इसे यूज नहीं किया, बट मैंने V8 और टाइप सी दोनों यूज कर रखा है, दोनों ही काफी बढ़िया है। चार्जिंग स्पीड भी नो कंप्लेन, नो डाउट, वेरी गुड, और इसकी कंपेटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, चार्जिंग में लगा के आप चाहते हैं फोन यूज करना, कुछ देखना वगैरह, तो भी ये फोन हैंग नहीं होता। ज्यादातर डाटा केबल में प्रॉब्लम आती है कि अगर आप लगाते हैं और फोन अगर यूज करना चाहते हैं तो हैंग करता है, यूज नहीं हो पाता, करते कुछ हो कुछ और जाता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें यूज कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं एक सजेशन ये करना चाहूंगा आपको कि फोन चार्ज करते समय आप उस टाइम उसे यूज ना करें, क्योंकि अगर फोन चार्जिंग में लगा है उस टाइम आप यूज करते हैं सबसे ज्यादा रेडिएशन उस टाइम जनरेट होती है, फोन हीट होता है आपका, उस टाइम में फोन फट जाए या कोई दिक्कत हो जाए ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब फोन चार्ज में लगाओ आप उस समय फोन का यूज ना करें, अपनी सेफ्टी बनाए रखिए, वो आपके हाथ में है। तो जैसा कि मैं कह रहा था ये डाटा केबल जो है काफी अच्छी है और यहाँ पे ARU की ब्रांडिंग बहुत बेटर लग रही है। तो चलिए वेट ना करते हुए, डाटा केबल आपने देख लिया, चीजें आपके सामने हैं, तो आप इसे परचेज करिए और यूज करिए अगर आपको नीड है तो। मैं इसका लिंक दे दूंगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइए क्लिक करिए और परचेज करिए। वहां पे और भी सारे लिंक है, जो भी आपको अच्छा लगे, रिक्वायर्ड लगे, जो आपको चाहिए वहां से आप ले सकते हैं। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और क्या आपकी सजेशन है क्या राय है वो कमेंट में दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।